काले डाउनलोड हो गई। अरे मैम वो डाउनलोड हो गया है, लेकिन जब उसको अनजिप कर रहा हूँ ना तो एरर आ रहा है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको वो करती हूँ। हाँ आप अपनी स्क्रीन शेयर करी। अरे अभी तो चल रही है, एक सेकंड अभी चल रहा है मैम, लेकिन लास्ट में देखो ना एरर आता है। में, एक मिनट रुकिए। एक्चुअली कल डाउनलोड भी नहीं हो रहा था। हाँ तो आपके टू में पॉइंट सेवन फाइव जिप जीबी है या फिर आप उससे हाँ कर रहे हैं? से अच्छा, 7 जीबी से कैसा हो गया, 2.5 GB डाउनलोड हो गया, फिर उसके बाद कुछ तो एरर दिया फिर कैंसिल हो गया। वैसे 3 4 बार तो डाउनलोड ही नहीं हुआ। तो उधर ऑप्शंस थे सर्वर्स चेंज करने के लिए, मतलब ये डाउनलोडिंग्स के, तो सर्वर चेंज करके फिर डाउनलोड हो गया। अच्छा, वैसे फुली डाउनलोड हुआ है ना? क्योंकि अगर डाउनलोड नहीं होगा तभी नहीं नहीं एक्सपेक्टिंग एरर आता है, कोई और इशू नहीं 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 होता। मैम नहीं, फुल्ली डाउनलोड दिखाया था। अगर फुल्ली डाउनलोड नहीं होता तो उधर एरर का ही आता था, मैसेज आता था, लेकिन फुल्ली डाउनलोड दिखाया था। MSR है, CRC फील्ड, फाइल इज ब्रोकन। देखा, मैं वही बोल रही हूँ ना, फाइल ब्रोकन है, मतलब फाइल जो थी बार बार वो के डाउनलोड हो रही थी ना, इसलिए इसमें कुछ डिफॉल्ट है। तो ओके आपको दोबारा ही करनी पड़ेगी वरना ये एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। या फिर एक बार एक काम करिए, रार डाउनलोड कर लीजिए, विनरार, उसके थ्रू एक्सट्रैक्ट करके देखिएगा इसको। विनरार से ना, वही मैंने अभी डाउनलोड किया है विनरार। उसको एक्सट्रैक्ट करिए। इटली मार दो फिर डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ना, एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर लीजिए। चलिए कोई नहीं, एक्सट्रैक्ट हेयर। मैम, आपके पास है ओएस इमेज? मेरे पास इसकी काली की हाँ मैम, वही है फाइल मेरे पास, मैं आपको दूंगी तो ये वीडियो फाइल ही आपके में आएगी, सेम ही एक्स्ट्रा करने को रह जाएगी ना, डाउनलोड ही तो दे पाऊंगी अभी आपको। हाँ मैम, बाकी सब खुद तो डाउनलोड हो रहा था, लेकिन यही काली लिनक्स ही नहीं हो पा रहा था। देखते हैं, कोई नहीं, एक तो ये एक्स्ट्रैक्ट हो जाते तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। कल वाले में कोई डाउट था? ठीक नहीं है, बस ये हो जाए, फिर देखते हैं, फुट प्रिंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब जॉब करते हैं? मैम, जॉब करता। तो अभी 11 से 12 है, कैसे मतलब फिर आप क्लास ले रहे हैं? हाँ मैम, फिलहाल तो मुझे अभी 1 वीक हॉलीडे है, अच्छा, 1 वीक हॉलीडे है, और बाद में कैसा मैं सेकेंड शिफ्ट ले लूंगा। पूरा ऐसे शिफ्ट रहते हैं हमारे इधर, तो मैं मॉर्निंग शिफ्ट कैंसिल कर दूंगा, सिर्फ सेकेंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट ले लूंगा। अच्छा। लो 1 मंथ के लिए वो लोग वैसा एडजस्ट कर ले।
तो ये मंथ में क्या मुझे मतलब मॉर्निंग मेरा हो गया, तो अभी पूरा सेकंड और 90 अच्छा है। एंट्री लेवल के लिए सीएच सर्टिफिकेशन कंपलसरी है, किस लेवल के लिए? एंट्री लेवल के लिए। नहीं, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये सर्टिफिकेशन होता है तो आपकी थोड़ी सी रेपो ज्यादा हो जाती है, वो सब कुछ नहीं है। बाकी तो डिपेंड करता है ना कि आपको आता कितना है, क्योंकि हर कोई यस इंटरव्यू और मैम। सारे बेसिस पे चेक करेगा, ऐसा तो है नहीं सर्टिफिकेट देख के कर देगा। नहीं, वो तो है, वो तो इंटरव्यू लेगा ही। बस ये सर्टिफिकेशन थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। अभी आपकी फील क्या है? मैं फिलहाल तो अभी मैं इसमें हूँ, मॉनिटरिंग में हूँ। मॉनिटरिंग? अच्छा, मतलब सिस्टम्स हाँ की। हाँ सिस्टम मतलब सिस्टम्स की नहीं, मतलब सर्वर्स के मॉनिटरिंग होते हैं पूरा। हाँ मतलब ये नॉन टेक्निकली है, तो भी टीम मतलब कैसा हो रहा था, अगर इधर 1.5 साल निकालो उसके बाद आपको जो भी टेक्निकल फील्ड रहेगा उसमें आप जिधर से आप मूवमेंट ले सकते हो 1.5 साल आपका में। 1.5 साल हो गया? हाँ मैम ऑलमोस्ट 2 साल कंप्लीट होने आ गया, तो प्रोसेस अभी चालू किया उन्होंने, अभी 1 महीने बाद इंटरव्यू है। मतलब अगर वो मुझे अभी समझो सॉक टीम में जाना है या फिर फायरवॉल टीम में जाना है, अगर उधर वैकेंसी रहेगा तो उधर का जो LC या फिर जो उनका हेड रहेगा वो इंटरव्यू लेगा। अच्छा, आपको मतलब साइबर सिक्योरिटी के उसमें से वो करना है ना स्विच अप? यस सॉक साइबर सिक्योरिटी टीम में जाना है। साइबर सिक्योरिटी एंड फायरवॉल टीम मतलब बाजू बाजू में बैठते हैं तो बेनिफिट हो जाता है एक
इसको क्लोज करी। ये इसमें चेकसम एरर आ रहा है मैं। क्लोज करो, तो ओपन करो फाइल को, वो जो बना है फोल्डर में नहीं आया ना इसके अंदर, नहीं आया ना। तो आपको दोबारा डाउनलोड करनी पड़ेगी। बेसिकली जो मेरे पास है ना, मैं उसको अपलोड करके किसी लिंक के थ्रू आपको सेंड कर दूंगी, तो आप एक बार उसको कर लेना, ओके ठीक है। मैम। नई वाली तो आपने डाउनलोड पे लगा ही दी है शायद, मुझे ऐसा लग रहा हाँ मैम लगाया है है। मैंने। एक आपने लगा भी दी है, बाकी मैं आपको अभी अपनी अपलोड करके क्लास के बाद सेंड कर दूंगी, तो आप एक बार उसे भी डाउनलोड करके देख लेना। ओके नहीं एक्चुअली मैं आपको ना मैम सुबह 9 बजे कॉल करने वाला था, लेकिन बोला इतना सुबह अच्छा नहीं लगेगा। नहीं आपको अगर ऐसा हुआ करे ना, तो मैसेज या कॉल कुछ भी कर दिया करे, कोई इशू नहीं है, ठीक ओके मैम। है। तो मतलब पता चलता रहेगा ना, तो ये कि अभी मैं आपको हाँ बोलूँ तो कल की क्लास तक ही हो जाएगी। ओके मैम। आप अपनी स्क्रीन स्टॉप कर लीजिए, मैं शेयर करती हूँ। तो ओके मैम। बाद जो हमको स्टार्ट करना है वो हमारा फुट प्रिंटिंग टॉपिक, ठीक है। फुट प्रिंटिंग का जो रहता है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, फुट प्रिंटिंग क्या है, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने को फुट प्रिंटिंग बोलते हैं, ठीक है। फुट प्रिंटिंग क्या है, बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट वे है। जैसे कि कोई भी अगर हैकर है, कोई भी एक पर्सन है, वो अगर इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो फुट प्रिंटिंग का ही यूज करता है। और फुट प्रिंटिंग को यूज करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, क्योंकि उसके बहुत तरीके के मेथड्स हैं जो हमको यूज करने हैं। बट फुटप्रिंटिंग जो है वो डिफरेंट पार्ट होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से, लेकिन बोला साथ में ही जाता है। क्यों? क्योंकि फुटप्रिंटिंग में भी हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जो टर्म है उसमें भी, तो जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है वो, जैसे कि मैंने कल बताया था, दो सब कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, एक पैसिव फुटप्रिंटिंग और एक होती है एक्टिव फुटप्रिंटिंग। पैसिव का मतलब है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं किसी फेज में, तो पैसिव फुटप्रिंटिंग तभी हो पाएगी जब आप क्या करेंगे, किसी से आप डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। आपको क्या है, बीच में कोई पर्सन है उस कंपनी से रिलेटेड जो आपको डेटा आपको गैदर करवा रहा है, या फिर आपको डेटा दे रहा है, या हो सकता है आप किसी गूगल के थ्रू फुटप्रिंटिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स गूगल के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, जिसको बोला जाता है गूगल डॉक्स, या फिर आप क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे टूल्स आप यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो पैसिव में आ जाएगी, क्योंकि आप डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है किसी टूल्स या थर्ड पार्टी के थ्रू। आप क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो ये देख सकते हैं, गूगल हैकिंग। गूगल हैकिंग जैसे कि गूगल डॉक्स, जैसे क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे गए या किसी सोशल मीडिया पे गए, आपने उस पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर। नेक्स्ट होता है वे बैक मशीन, इनको यूज करना भी मैं अभी आपको बताऊंगी। वे बैक मशीन, वे बैक मशीन क्या होती है ना, वे बैक मशीन काम करती है टाइम मशीन की तरह, जिससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए गूगल स्टार्ट हुआ 1990 में, तो ये क्या करती है, हर दिन में स्क्रीनशॉट लेती रहती है, जिससे क्या है कि आप डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस टाइम पर ये चीज ऐसे दिखती थी और अब कैसे दिखती है। तो ये जो काम होता है ये किसका होता है, वेबैक मशीन का होता है। या फिर कहीं पर जॉब निकली है, आपने क्या करा, जॉब के लिए आपने सर्च आउट करा है और उस कंपनी के बारे में आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ये सारी जितना भी पार्ट है ये किस में आएगा, पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में आएगा, क्योंकि आप थर्ड पार्टी के थ्रू क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। अब बात आती है एक्टिव की। एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में क्या, डायरेक्टली एंगेजमेंट करते हैं आप टारगेट के साथ, दैट मीन्स आप डायरेक्टली टारगेट के साथ अटैच होते हैं, या फिर सपोज डायरेक्टली कंपनी के साथ या किसी के साथ भी, और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सोशल इंजन्स के थ्रू कर रहे हो, सोशल नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं, या फिर कोई डोमेन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता उसके थ्रू कर रहे हैं, कैसे भी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत तरीके के इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल होते हैं, जैसे कि एनमैप है, बट बेसिकली हम लोग एनमैप जो यूज करेंगे वो स्कैन के लिए यूज करेंगे, इससे हमको इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, बट एनमैप जो है वो एक स्कैनिंग टूल है जो आपके पूरे सिस्टम को स्कैन करता है, दैट मीन्स आपके सिस्टम में कौन से पोर्ट्स ओपन चल रहे हैं। पोर्ट्स जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, पोर्ट जो होते हैं वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट होते हैं किसी भी चीज के, जहां से आप कनेक्ट कर पाते हैं। विदाउट पोर्ट नंबर आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, किसी के साथ मतलब किसी भी प्रोटोकॉल से। प्रोटोकॉल आपको पता है क्या होती है, ठीक है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, किसी तरीके के रूल्स होते हैं कनेक्ट करने के, जैसे मान लीजिए HTTP, ये भी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक तरीके की प्रोटोकॉल है जो पोर्ट नंबर 80 यूज करती है, ठीक है। HTTPS हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये पोर्ट नंबर यूज करती है 443, ठीक है। कोई बोले TCP पोर्ट से हम कनेक्टेड है, तो TCP कौन सा होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो यूज कर रहा है मान लो 21, तो पोर्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसके साथ कनेक्ट कराएंगे आपको, प्रोटोकॉल के साथ। प्रोटोकॉल के साथ ही आपकी चीजें वर्क करती हैं, ओके
अब बात आती है कि ठीक है ये प्रोटोकॉल के साथ कनेक्टेड है, तो एनमैप क्या करता है आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा वाला प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, कौन सा पोर्ट नंबर उसका ओपन है। अब जो पोर्ट नंबर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मतलब 0 से लेके 65,535 इतने पोर्ट नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पोर्ट नंबर होते हैं इनमें ध्यान देने वाली बात ये कि आप 0 से लेके 1023 यहाँ तक के पोर्ट नंबर आप यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पोर्ट नंबर पहले से रिजर्व है, ये जो मैं जितनी भी प्रोटोकॉल आपको बताएंगे इनके लिए 1023 के बाद जितने भी पोर्ट नंबर होंगे वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के हम जितनी भी चीजें करेंगे उसमें अगर हमें हमारे लिए कोई पोर्ट नंबर चाहिए तो हम 1024 के बाद कोई भी पोर्ट नंबर अपने लिए लेंगे, लेकिन उससे पहले नहीं ले सकते। तो एनमैप जो होता है वो आपके इसी में काम आता है, लेकिन एनमैप का जो बेसिक फंक्शन दिखेगा वो हमको स्कैनिंग में ज्यादा दिखेगा, यहाँ पर हम इसको यूज नहीं करेंगे। अब यूनिकॉर्न स्नैक सबलिस्ट 3R डिमिट्री इंस्पेक्ट, यहाँ मैंने सारे टूल्स के नाम लिखे हैं, ये सब काली में प्रेजेंट होते हैं, आपको सिर्फ इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है कि ये क्या है किस तरीके के हैं, क्योंकि इतने सारे टूल्स आप यूज नहीं कर सकते, बट आपको लेकिन पता होना चाहिए कौन से टूल हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब बात आती है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग यहाँ तक आप क्या OSINT मतलब जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल है, जो कि जैसे कि मैंने टूल की लिस्ट अभी ऊपर भी थी और यहाँ पे भी है, इनके थ्रू भी आप ये कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जैसे माल्टेगो रिकॉन एनजी हार्वेस्टर शुडान, ये भी कुछ टूल होते हैं जिनके थ्रू आप ये कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन अपनी गैदर कर सकते हैं। अब इन्फॉर्मेशन गैदर कैसे होगी, इसको मिनिमाइज करते हैं, काली कौन करते हैं, आफ्टर दैट हम फुटप्रिंटिंग के कुछ और टूल्स यूज करेंगे जिसके थ्रू हम फुटप्रिंटिंग करेंगे। दोनों चीजें सेम है, फुटप्रिंटिंग और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, बट डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स और डायरेक्टली कनेक्शन के बेसिस पर। हमको पढ़ना है माल्टेगो टूल, ठीक है। माल्टेगो जो टूल होता है वो हमारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए होता है, तो माल्टेगो काली के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस सर्च करना है, यहाँ पे जाइए, यहाँ सर्च करिए माल्टेगो MALT, पहला वाला जो है माल्टेगो टूल है इसको क्लिक कर दीजिए।
ये जो इंटरफेस ओपन हुआ है ये आपका माल्टेक ओके टूल का इंटरफेस है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें अपना रनिंग करना है। यहाँ से हम लोग ग्राफ ले सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो हमको एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है। माल्टेक ओके में क्या है कि मैंने अपना यूजर नेम आई डाल के इसमें एनरोल कर रखा है, इसलिए यहाँ पे रनिंग मोड में है। आप जब इसको स्टार्ट करेंगे तो बस आपसे रजिस्ट्रेशन मांगेगा कि आपको क्या करना है, फ्री वाले उसको यूज करने के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना है, बस मेल आईडी का, फिर ये चलने लगेगा। यहाँ से हम लोग ग्राफ ले सकते हैं। वेट करिए, थोड़ा स्लो चलता है। मान लीजिए आपको डोमेन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो डोमेन को उठा के क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इस जगह पे। जब तक ओपन हो रहा है फुटप्रिंटिंग का देख लेते हैं, क्योंकि इसको टाइम लगेगा ओपन होने में, मुझे लग रहा है। दोबारा ओपन करते हैं। कोई नहीं, ये जो हमारा है फुटप्रिंटिंग का है, ठीक है। फुटप्रिंटिंग में मैंने आपको बताया था, हम लोग फुटप्रिंटिंग जो है उसको 6 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहली जो होती है वो हमारी वेबसाइट फुटप्रिंटिंग होती है। वेबसाइट फुटप्रिंटिंग का मतलब है जितने ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप किसी वेबसाइट रिलेटेड टू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जितने भी एच तक लिखे हैं सारे हमारे टूल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं किसी वेबसाइट की फुटप्रिंटिंग करने के लिए। हमको यूज करना है, मैं आपको एक एक यूज करके दिखा दे रही हूँ, बाकी आप अपने वर्क में अपने अकॉर्डिंगली यूज करके देख लीजिएगा। यहाँ से इसको कॉपी करना है आपको, कॉपी करने के बाद जाइए गूगल पे, एंटर। वेबसाइट इन्फॉर्मर डॉट कॉम, ये आपका टूल है। आफ्टर दैट सपोज करो आपको किसी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको भी यहाँ पे रखे यूट्यूब के बारे में चाहिए, यूट्यूब चूज करा, सर्च कर दिया। आफ्टर दैट इसके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू यूट्यूब, जैसे यूट्यूब कब बना, कैसे क्या क्या उसके बारे में, इसने सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको दे दी कि यूट्यूब कब क्रिएट हुआ था, 15 टू 2005 को, ठीक है। आफ्टर दैट एक्सपायर कब होगा, 14 टू 2022 में। इसका जो ओनर है वो गूगल LLC है। ये कितनी तरीके की आईपीज हैं, क्या क्या चीजें चल रही हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे इसने प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज दे रखी कि गूगल एक्सपायर 14 टू 2022, इसका मीनिंग क्या है? हाँ, तो जैसे कि ये कि 2022 में गूगल नहीं चलेगा फिर, 14 फेब्रुअरी रिन्यू, इसके लाइसेंस को नहीं करना होता है। जहाँ होस्टिंग और डोमेन दो चीज होती है, ठीक है। डोमेन मतलब कि जो youtube.com है, होस्टिंग का मतलब होता है जहाँ पर अपनी वेबसाइट को रखते हैं, ठीक है। तो हाँ, वो चीज इसकी जो होस्टिंग है वो एक्सपायर हो जाएगी, तो वो आपको रिन्यू करानी होती है, ठीक है। वो हम कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे नेमचिप से ले लीजिए, गोडैडी से ले लीजिए, हॉस्टग्रेटर, होस्टिंग, जहाँ से भी आपको मतलब सुटेबल होता है वहां से ये लोग अपने परचेज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, इसके DNS दे रखे हैं, डिफरेंट टाइप्स की IP जो इसके इसके लिए एसोसिएटेड है। अगर हम चाह रहे हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन देखना, तो स्टेट एंड डिटेल्स पे क्लिक करके आप इसकी एलेक्सा रैंक, ट्रैफिक रैंक, रीच डे कितना है डेली में, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। नॉर्मली जो कंपनीज बोलती हैं कि इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है कुछ भी, तो लोग क्या करते हैं, इन सारी चीजों को यूज करके एक रिपोर्ट मेकिंग करते हैं। उस रिपोर्ट में सारी चीजों के बारे में डाल दिया जाता है कि इस तरीके से इसका यूजिंग है और ये सारी चीजें इसमें होती हैं। देखती हूँ एक बार ही चल गया हो तो। अब बात आते हैं नेक्स्ट टूल की।
नेक्स्ट टूल भी सेम है, बट अब हम देखेंगे वेब आर्काइव डॉट ओ आर जी. वेब आर्काइव डॉट ओ आर जी काम करेगा आपका टाइम मशीन की तरह, जिसमें क्या करता है सारे स्नैपशॉट्स ले लेता है टाइम टू टाइम के, कि उस टाइम पर वो वाली चीज कैसे दिख रही थी या कैसे हो. ये आपकी वेबैक मशीन है. सपोज करो आपको यूट्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो youtube.com. YouTube कब से हुआ? 2005 से लेकर 2021, ठीक है. अभी जो ओपन है मान लो 2005 का, 2005 में हमने 2 जनवरी के स्नैपशॉट को हमको लेना था, हमने 2 जनवरी का जो स्नैपशॉट है उसको एक लिंक में खोल लिया. आफ्टर दैट 2016 पे क्लिक करते हैं, इसमें भी 2 जनवरी का स्नैपशॉट ले लेते हैं डिफरेंस देखने के लिए. देखो यूट्यूब पर डिफरेंस पता चल रहा है, ये 2016 में ऐसा था, ठीक है. सारी चीजें ऐसे ऐसे ऐड में आती थी, ये वो है. या फिर डिफरेंट इसका ये है मान लो 2021 का है. डिफरेंट टाइप के जितने भी आप यूट्यूब के यहाँ से देखना चाहते हैं, आपको सारे वेबैक मशीन के यहाँ अवेलेबल होते हैं. सारे स्नैपशॉट वाली मशीन लेती रहती है, तो आपको टाइम टू टाइम डिफरेंस देखने को मिलेगा कोई सी चीज कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है. ऐसा नहीं सिर्फ यूट्यूब का देख सकते हैं, आप किसी वेबसाइट का यहाँ पर डाल सकते हैं और उसका आपको सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाएगी. नॉन फेमस वेबसाइट रहेंगे उसका भी मिल जाएगा ना, मतलब हाँ, जितना जैसे नॉन फेमस इन द सेंस जो यूट्यूब भी अपना ये सारे डेटा यहाँ पे अपलोड करते होंगे उनका मिलेगा, ओके. क्योंकि बहुत छोटी छोटी वेबसाइट पता नहीं कितनी है दुनिया में, सबका नहीं रख सकते ना हाँ वाली चीज. इसके अलावा क्या, मान लीजिए आपने एसटी ट्रैक सुना होगा. एसटी ट्रैक क्या है, ये एक तरीके का वेबसाइट है. अगर आप क्या चाहते हैं कि अगर कोई भी वेबसाइट आपको अच्छी लगी और आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप उसका पूरा कोड और सारी चीजें अपने अकॉर्डिंगली डाउनलोड कर सकते हैं. बट डिपेंडिंग अपॉन ये कि आपको थोड़ी सी अगर नॉलेज होगी किसी लैंग्वेज के बारे में कुछ है, तो आप उसका कोड भी चेंज करके वो वेबसाइट अपने लिए बना सकते हैं, ठीक है. जैसे कि ये वाला htrack.com, आपको एक यहाँ से जाना कॉपी, इनको क्लोज कर देती हूँ. डाउनलोड पे क्लिक करिएगा. आफ्टर दैट हमारा 64 बिट है, 64 बिट पे क्लिक कर दीजिए. क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये आपका डाउनलोड होगा डेस्कटॉप पे, यहाँ पे आ जाएगा. अगर मेरे में डाउनलोड होगा तो मैं शो करती हूँ, नहीं है. यह डाउनलोड हो रहा है. डाउनलोड होने के बाद आपसे रन कर दीजिए, रन करेंगे आपके में सेटअप हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद क्या करना है, जो भी वेबसाइट आपको कॉपी करनी है या फिर आपको लगता है ये वाली वेबसाइट आपको चाहिए, उसका लिंक उठाइए और इसके अंदर जाके लिंक पेस्ट कर दीजिए. जैसे ही लिंक पेस्ट करेंगे डाउनलोडिंग पे क्लिक कर दीजिए, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है. करके दिखाऊं कोई, एक मिनट इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट किया, यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का नेम है. सपोज करिए मैंने वेबसाइट डाल दिया, नेक्स्ट. अब यहाँ पे मुझे मेरी वेबसाइट का यूआरएल डालना है,
कोई छोटी सी वेबसाइट आपको याद हो तो आप बताइए जो हम डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट है, बहुत टाइम ले जाएंगी। कोई है ध्यान, कोई छोटी वेबसाइट हाँ मैम, एक तो ब्लडी ब्रांडेड करके है, स्पेलिंग बोली। ब्लडी BLODDY BLLO। ब्रांड ब्रांडेड। ठीक है, यही है फर्स्ट वन। ठीक हाँ मैम यही है। है, इसका यूआरएल ले लेते हैं कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट फिनिश। हो गई डाउनलोडिंग। ठीक है, अभी क्या होगा, जितना भी टाइम लेगी अपने डाउनलोडिंग में लेती रहेगी, आफ्टर दैट डाउनलोड करके आपको यहाँ पे सा कोड मिल जाएगा। इसको चलने देते हैं, नेक्स्ट करते हैं, जब तक हो जाएगा तो बस हो जाएगा। ठीक है, अगर एसटी ट्रैकर के अलावा हम वेबसाइट रैपर कॉपियर भी यूज कर सकते हैं, ये भी हमारा किस लिए यूज होता है, इसी चीजों के लिए यूज होता है। अब बात आती है ईमेल फुटप्रिंटिंग की। ईमेल फुटप्रिंटिंग का मतलब होता है ईमेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हम लोग मोस्ट ऑफ दी व्हाट्सएप में देखते हैं, हम लोग मैसेज करते हैं किसी को, तो अगर मान लीजिए उसके डबल टिक ब्लू हो जाते हैं तो हमको पता चल जाता है उसने मैसेज रीड कर लिया। ठीक है, वही चीज हमारा ईमेल के साथ आप कर सकते हैं। ईमेल में जीमेल ट्रैकर होता है, अगर आप चाहें तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे जीमेल ट्रैकर आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद क्या होगा, अगर आप किसी को मेल सेंड करते हैं तो आपका जो मेल होगा वो ट्रैकेबल हो जाएगा। जैसे कि अगर सामने वाले पर्सन ने रीड कर लिया तो आपके पास मेल में डबल ग्रीन टिक हो जाएंगे, दैट मीन्स आपका जो मेल है वो आप जो ट्रैक करके भेज पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या, अगर आपको किसी आईपी की नीड है कि वो आईपी की लोकेशन कहाँ मिलेगी, तो आपको इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद गूगल पे जाइए, ये आपका आईपी ट्रैकर डॉट ओआरजी है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी एक आईपी डाल लिया, मुझे नहीं पता ये आईपी किससे रिलेटेड है, इसको ट्रैक करके देखते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको इन्फॉर्मेशन बताया कि आपका इनका सिस्टम ट्रैकिंग कहाँ की आईपी दिखा रहा है, इंडियन एशियन आईपी है। ठीक है, और इससे रिलेटेड टू आईपी की जितनी इन्फॉर्मेशन होंगी कि ये आईपी है, आपकी होस्ट नेम ये है, इंटरनेट कौन सा यूज कर रही है, IPv4 का वर्जन ये यूज कर रही है, क्योंकि हम लोग नाउ डेज जो आईपी यूज कर रहे हैं वो IPv4 वर्जन कर रहे हैं। जब भी IPv4 खत्म हो जाएंगे तो IPv6 मार्केट में आ जाएगी। वैसे तो अभी आ चुकी है, बट हम यूज जो अभी मिली हुई है वो IPv4 है। ये जो आईपी की क्लास है वो क्लास ए रेंज की IP49, क्योंकि मैं बार बार बोलूंगी आईपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी फील्ड में जाने के लिए, बट डिपेंडिंग, अगर आप आईटी में जा रहे हैं तो आईटी में आईपी का बहुत बड़ा रोल है, विदाउट आईपी आप कोई चीज का काम नहीं कर पाते हैं। तो आईपी में कितनी क्लासेस होती है, टोटल 5 क्लासेस से बनती है आईपी, क्लास ए बी सी डी ई। ठीक है, ए जो रेंज होता है, ए की जो रेंज होती है वो 1 से लेके 127 तक की रेंज होती है, 0 to 127 सॉरी। लेकिन 0 जो होता है वो हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि 0 जो यूज होता है वो नेटवर्क के लिए यूज होता है। नेटवर्क के लिए यूज होता है, लूप 127 नहीं कर सकते क्योंकि वो लूप बैक एड्रेस होता बैक है। ठीक एड्रेस होता है। है, एक 225 से सॉरी 255 से हम एंड नहीं कर सकते, क्योंकि 255 जो हम यूज करते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, बाकी आप कोई भी आईपी यूज कर सकते हैं। तो ये जो आईपी की रेंज है 49 से शुरू है, दैट मीन्स क्लास ए रेंज की आईपी है। ठीक है, क्लास डी और ई भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। डी यूज होती है मल्टीकास्टिंग के लिए, ई यूज होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। रिसर्च। ठीक है, मल्टीकास्टिंग का मीनिंग आपको पता है? हाँ मैम ये ना मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट, वैसे आप बोल रहे हो ना हाँ, लेकिन क्या मीनिंग है इनका, मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट का? मल्टीकास्ट मीन्स एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए भेजा जाता है, वैसे दैट मीन्स वन टू दो वन मैनी और वन टू, टू हाँ, और जो ब्रॉडकास्टिंग है वन टू ऑल है, और यूनिकास्टिंग वन टू मैनी, वन। हाँ वन टू वन। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट टाइप की आईपी, जैसे एशिया से रिलेटेड आईपी, उत्तराखंड इसकी स्टेट है, देहरादून, जो भी रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन आपको उस आईपी से मिलेंगी, सारी चीजें वो आपको यहाँ पे निकाल के दे देगा। ठीक है, अब बात आती है नेटवर्क फुटप्रिंटिंग की, मतलब नेटवर्क से रिलेटेड अगर आपको फुटप्रिंटिंग करनी है। कल मैंने आपको आईपी कॉन्फिग और आईपी स्लैश ये तो दिखाई था। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि अगर आपको चेक करना है आप किसी नेटवर्क में प्रेजेंट है कि नहीं, तो CMD करिए, पिंग करके आप गूगल को चेक कर लीजिए, जिससे क्या पता चल जाएगा, ये पता चलेगा कि आप नेटवर्क में है कि नहीं है। google.com एंटर, अगर आपको रिप्लाई आ रहा है दैट मींस आप एक नेटवर्क में प्रेजेंटेड हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या, आप ट्रेस रूट कर सकते हैं। ट्रेस रूट का मतलब, ट्रेस रूट फुल कमांड होती है, बट इसको जो शॉर्ट में लिखते हैं वो ट्रेसर लिखते हैं।
ट्रेसर के बाद आपको ये चेक करना है कि कितने हॉप, मतलब बीच में कितनी आईपी आएंगी गूगल और आपके सिस्टम की आईपी के बीच में। एंटर किया, कितनी आईपी है, 30 आईपी की रेंज है जो आपके और गूगल और उसके बीच में आती है। ठीक है, आप 30 आईपी तक भी देख सकते हैं। इफ अगर आपको वेट नहीं करना और आप ये चाह रहे हैं कि नहीं मैं 30 तक वेट नहीं कर पाऊंगा, तो आपको क्या करना है, सिंपल आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं कि आपको कितनी आईपी की वो चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखिए -H hop 5, मतलब आप सिर्फ 5 ही देखना चाहते हैं। तो क्या आपको कितने हॉप दिखाएगा, सिर्फ 5 हॉप दिखाएगा। अगर मान लो ये हम लोग माल्टा को भी साथ साथ एक बार देख रहे थे, अगर हमको उसको यूज करना है तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, हमें मान लो डोमेन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बस आपको क्या करना है, डोमेन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ रख देना है। जैसे ही आप डोमेन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम ना, एक मिनट। ठीक है, ये आ गया। अभी क्या है, पर्टवा.com आ रहा है। पर्टवा जो है वो माल्टेको की कंपनी है जिसके थ्रू माल्टेको बनाया, तो इसलिए यहाँ पे अपना नाम लिख के देते हैं। आप चेंज करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि नहीं सिर्फ मैं तो गूगल के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना है, कुछ भी करना है, तो आपको बस ये नेम चेंज कर दीजिए। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे और google.com डाल देंगे। ठीक है, जैसे सपोज मैं यहाँ चेंज कर रही हूँ, ठीक है, google.com हो गया। अब क्या करें, यहाँ पे राइट क्लिक करा हमने, राइट क्लिक करके हमको जिस भी इन्फॉर्मेशन देखनी है, डीएनएस के बारे में देखनी है, किसी के बारे में देखनी है, तो आपको उसको पूरा रन कर दीजिए। पूरा रन करेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में दिखाएगा। अगर इसको पूरा नहीं देखना है, आपको आधा देखना है कुछ है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जिससे जो रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वो निकाल के देगा। अभी हमने किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखी, हमने डीएनएस के बारे में देखी है, तो यहाँ पे इसने क्या करा, डीएनएस को रन कर दिया पूरा। तो जो भी गूगल से रिलेटेड डीएनएस होंगे, ठीक है, ये उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के देगा। लेकिन इसके इसमें किस फॉर्म में देता है, ग्राफ के फॉर्म में देता है। ग्राफ मतलब जितने भी डीएनएस एसोसिएटेड होंगे, सब लाइन ऐसे ऐसे लाइन बनती चली जाएगी और ये सब आते जाएंगे। अब ये पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। यहाँ पे आप ओवरव्यू देख सकते हैं, ऐसे ऐसे डीएनएस बन गए सारे। ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करती हूँ, देखो दिख रहे हैं डीएनएस ये सारे। तो ये आपको एक रिपोर्ट फॉर्म में सबमिट करने होते हैं कि कितने डीएनएस है जिसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि ये ग्राफ के फॉर्म में बनता है। सपोज आपकी कंपनी है, आपको अपनी कंपनी का जो मेन मॉड्यूल होगा आप उसको ऊपर लगाएंगे, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप सर्च करेंगे, तो एक ग्राफ फॉर्म में बन जाएगा आपके सिस्टम में। फिर उसके बाद क्या करना है, बस उसी की एक प्रिंट आउट निकालना और आपको दे देना है कि इतने सारे सिस्टम से आप कनेक्टेड थे और ये चीजें आपका है। ओवरव्यू आप यहाँ देख सकते हैं। तो माल्टेको उस तरीके से वर्क करता है, ऐसा नहीं सिर्फ डीएनएस के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, जिसके बारे में भी आपको निकालनी है आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अभी तो उसकी स्कैनिंग चली रही है। अब बात आते हैं अपने नेक्स्ट, जैसे फुटप्रिंटिंग थ्रू गूगल। फुटप्रिंटिंग थ्रू गूगल सबसे इजी होती है, क्यों, क्योंकि सिर्फ आपको क्या करना होता है, इसमें सोशल मीडिया या फिर इनके यूज के थ्रू आपको इनकी इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। जैसे मान के चलिए आपको सिर्फ क्या देखना है, गूगल पे जाके आपको सिर्फ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखनी है, सिर्फ आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स फाइल चाहिए, मतलब आपको सिर्फ पीडीएफ निकालनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल टाइप यूज करिए, फाइल टाइप, और मान लीजिए मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं। एंटर करेंगे तो जितनी भी चीजें खुलेगी वो सब डॉक खुलेगा। ये डॉक है, ये भी डॉक्यूमेंट्स खुलेंगे, मतलब जो भी आप डाल रहे हैं फाइल टाइप के अंदर, सारे आपको क्या मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। सपोज मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं चाह रही, मैं तो चाह रही हूँ सिर्फ मुझे क्या मिले, पीपीटी मिले, तो पीपीटी एंटर कर दीजिए, स्पेस एंटर, जितनी भी चीजें खुलेंगी अब सारी पीपीटी खुलेंगी। पीपीटी दिख रही है, यही पीपीटी है, सारी इन्फॉर्मेशन जो होंगी वो पीपीटी की होंगी, इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने नहीं खुल के आएगी। वही मैं चाहे आप कोई साइट की इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं या कोई यूआरएल डाल के देख रहे हैं या कोई टाइटल डाल के देख रहे हैं मूवीज का, कुछ भी करके आप कोई भी फुटप्रिंटिंग कर सकते हैं, एक ही तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे आएगी।
ओके अब डोमेन बात आती है नेक्स्ट हमारे डीएनएस फुटप्रिंटिंग। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर सर्वर, जो हमारे क्या आईपी करता है, आईपी को डोमेन, डोमेन को आईपी में चेंज को करता है। डोमेन इसमें मान लीजिए पे। हमको जो भी डीएनएस के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, आप उसको सर्च कर सकते हैं, गूगल पे जाइए, ये वर्डप्रेस में बनी वेबसाइट है, ब्लडी वाली सॉरी वर्डप्रेस में बनी है वाली वेबसाइट, ब्लडी ब्रांडेड। मैम। यस मैम। अभी क्या है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे आपके डीएनएस से। अब मान लीजिए रिवर्स डोमेन आईपी चेक करना है, आपको ये देखना है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ कितने उसके डोमेन कनेक्टेड है रिवर्सली। तो अब यहाँ पे सपोज हम यूट्यूब के बारे में देख रहे हैं एज इन्फॉर्मेशन, तो यूट्यूब भी डाल देती हूँ मैं, youtube.com, एंटर। जैसे आप चेक करेंगे जितने भी डोमेन इसके साथ एसोसिएटेड होंगे, ये उतने डोमेन की लिस्ट आपको दे देगा। इतना ये नहीं है कि 100 है या 200 है, जितने भी होंगे सारे लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो भी इसके साथ एसोसिएटेड होंगे, इसके रिवर्स आईपी डोमेन। वेट करिए, अप टू टेक 2 to 3 minutes लेगा पूरा निकालने के लिए। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, नेक्स्ट कोई चूज कर लेते हैं। डम्पस्टर यूज करते हैं, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो डीएनएस के डम्पस्टर, दैट मींस इतने एरिया में यहाँ पे क्या है डीएनएस चल रहा है, किसका, यूट्यूब यूट्यूब का, यूट्यूब से रिलेटेड जो भी का। डीएनएस 4 है, 5 है, यहाँ 5 होस्ट फाउंड है यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। यहाँ पे ये यूनाइटेड स्टेट जो भी है वो यहाँ पे आपको शो करके दिखा देगा, और जितने भी डीएनएस इसके हैं सारे डीएनएस ये का NS1 NS2 नेम सर्वर है इसके, उनकी आईपी और उनसे रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। ये इतने डीएनएस इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। इसके अलावा क्या हमारा लास्ट रहता है फुटप्रिंटिंग पेनी टेस्टिंग। मतलब फुटप्रिंटिंग पेनी टेस्टिंग में क्या होता है कि आप इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपने निकाली है उसकी सिक्योरिटी किस बेसिस पर रहेगी। तो जैसे कि हम लोग जीमेल और फेसबुक में 2-step वेरिफिकेशन लगाते हैं, एक पासवर्ड से और एक ओटीपी से, वो हमारे लिए क्या है कि इन्फॉर्मेशन सेविंग का काम करता है, दैट मीन्स कि हम अपने आप को सेव रख सकते हैं। उसके ही अलावा क्या करते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टेड ईमेल होते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्टेड ईमेल का मतलब होता है अगर आप किसी को ईमेल सेंड करना चाहते हैं और उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन भी सेंड करते हैं जिससे क्या है कि लोगों को शक ना हो, आप अगर उसका ईमेल को डिलीट भी करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए privenode.com करके होती है वेबसाइट, आप यहाँ पे अपना मेल लिख सकते हैं, एंटर करा, यहाँ पे क्या अपना नोट लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी नोट लिखा, अपना नाम लिख देती हूँ, ठीक है। उसके क्या वेरियस ऑप्शंस होते हैं, शो ऑप्शन, शो ऑप्शन में जाके एक ही अगर सामने वाले पर्सन ने आपका रीड कर लिया है तो तुरंत ही उसको डिलीट कर दे। तो आफ्टर रीडिंग इट आपको डिलीट करवाना है 1 घंटे बाद की, 24 घंटे बाद जो भी कराना है आपको वो ऑप्शन यहाँ से चूज कर लेना, ठीक है। पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप पासवर्ड लगाएंगे, कंफर्म पासवर्ड करके उसको सेंड करेंगे, आफ्टर दैट आपको उसको पासवर्ड देना पड़ेगा, और यहाँ से फिर आप नोट क्रिएट कर देंगे। जैसे ही आप नोट क्रिएट करेंगे ये आपको एक लिंक दे देगा,
ये लिंक आपको पर्सन को शेयर करना है, जैसे भी चाहे वैसे शेयर कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर्सन को शेयर करेंगे तो जैसे ही वो नोट खोलेगा, आपने यहाँ क्या लगा रखी है कि जैसे ही नोट खोले वो डिलीट हो जाए, पढ़ने के बाद जाए। बैक आते तो वो डिलीट हो जाएगा। तो सामने वाले पर्सन को मतलब कुछ प्रूफ नहीं रहेगा कि आपने नोट में क्या लिखा था, ठीक है। तो ये मेल वाले केस में आप इसको कर सकते हैं, या फिर आपने जैसे उसको सेंड करा और आप उसके बाद यहाँ पे दे दिए डिस्ट्रॉय नोट नाउ, तो उसके बाद अगर वो लिंक ओपन कर भी लेगा, खोल लेगा, तो भी उसको वो नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि आपके पास वहां से कमांड थी, आपने दे दिया कि लिंक को क्या करे, डिस्ट्रॉय कर दे, अच्छा ठीक है। ये दोनों जो यहाँ पे दे रखे हैं, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, TMWSD को भी और PrivateNote.com को भी, दोनों सेम ही तरीके से वर्क करते हैं। ये वेबसाइट मुझे लग रहा है बड़ी है काफी ना, अभी तो 397 पे ही आए हैं। कोई बात नहीं, वैसे मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ। फिर आपको अपनी सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने जिस नाम से भी थी, माई वेबसाइट्स के अंदर जाएंगे, आपने वेबसाइट के नाम से दी थी, वेबसाइट के नाम से हमारी ये पूरी बनती जा रही है। अंदर जाइए, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस ये अपने अंदर लेता जा रहा है, सारे जितने भी पेजेस होंगे सारी चीजें ले लेगा, जो भी इसके फोटोज वीडियो जो भी होंगे इससे रिलेटेड आपकी वेबसाइट में, सारी चीजों को अपने अंदर ले लेगा। आफ्टर दैट आप अपनी वेबसाइट को ओपन करके खोल सकते हैं, वैसे ही खुलेगी। एक बार इसका फ्रंट पेज देख लेते हैं कैसा है। ऐसा है, ठीक है। अगर ये डाउनलोड हो गया होगा तो एक इंडेक्स वाला पेज है, वही आपका उसमें रन करेगा। ठीक है, अभी पूरी हुई नहीं है लेकिन खुल गई। ओके ये हमारी वाली है जो हम खोलना चाह रहे हैं, ये बनी बनाई है, ठीक है। तो ये हमारी क्या कर सकती है, पूरी कॉपी ले सकती है किसी भी वेबसाइट के, जैसे हम चाहेंगे वैसे। बट डिपेंडिंग अपॉन आपके हमारे अपने वो होते हैं कि हम इनको किस तरीके से, अगर हमारा नॉलेज है थोड़ी बहुत कोडिंग या कुछ भी, तो हम इनको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और वेबसाइट को अपना नाम दे सकते हैं। अभी तो फुली डाउनलोडेड नहीं हुई है तो सारे पेजेस नहीं आएंगे वैसे, लेकिन इसकी पूरी जावा स्क्रिप्ट की कोड आ जाएंगे इसके अंदर, जिससे भी जो भी रिलेटेड टू चीजें इसके अंदर होंगी सब आपको यहाँ दिख ओके जाएंगे। ओके ठीक है, अभी डन कर दूंगा मैं डाउनलोडिंग, ठीक है। तो ये हमारा जो था, ये हमारा फुटप्रिंटिंग के बारे में था। फुटप्रिंटिंग जो होती है हमारी 6 तरीके की होती है, वेबसाइट फुटप्रिंटिंग, ईमेल, नेटवर्क फुटप्रिंटिंग थ्रू गूगल, DNS फुटप्रिंटिंग और लास्ट वाली फुटप्रिंटिंग, पेन टेस्टिंग। वेबसाइट फुटप्रिंटिंग में हम लोग कोई भी एक वेबसाइट को ले सकते हैं और उसके बारे में उसकी स्कैनिंग और सारी चीजें परफॉर्म करेंगे और इन्फॉर्मेशन निकालेंगे किसी वेबसाइट के बारे में। ईमेल फुटप्रिंटिंग में अगर हमको कहीं की लोकेशन चाहिए तो वो, और प्लस आप ईमेल ट्रैकर डाउनलोड कर सकते हैं अपने मेल को ट्रैक करने के लिए। फिर आता है नेटवर्क फुटप्रिंटिंग। नेटवर्क फुटप्रिंटिंग में कुछ कमांड्स के थ्रू हम अपना ही नेटवर्क को स्कैनिंग करते हैं आईपी और पिंग और ट्रेसर की हेल्प में। फिर आता है फुटप्रिंटिंग थ्रू गूगल, जिसमें क्या करते हैं कि आपको अगर एक ही तरीके की फाइल चाहिए या फिर रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट कोई भी एक चीज चाहिए, PPT के फॉर्म में हो, डॉक फॉर्म में हो, तो आप उसको जाके सर्च कर सकते हैं। आफ्टर दैट आता है DNS फुटप्रिंटिंग, जिसमें हम लोग सिर्फ डोमेन नेम सिस्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन गेन आउट करेंगे। लास्ट होता है हमारा फुटप्रिंटिंग पेन टेस्टिंग, जिसमें हम 2 स्टेप की वेरिफिकेशन यूज करते हैं और कुछ इस तरीके की मेल आइटम यूज करते हैं कि अगर वो डिलीट कर सकते हैं हम अपने पास से, हमारे पास सारी कमांड होती है उनकी। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग 2 तरीके की होती है, पैसिव और एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। दोनों का डिफरेंस क्लियर है, एक्टिव में हम लोग एक्टिवली कनेक्टेड होते हैं, पैसिव में हम लोग थर्ड पार्टी के थ्रू करते हैं। अगर हम हाँ इनडायरेक्टली अगर हमको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो हम माल्टेगो का टूल यूज करेंगे, उसके रिलेटेड ग्राफ क्रिएट करेंगे और अपनी चीजों को बनाएंगे कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको गैदर होती है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? नो अब मैं आपको एक तो ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, PPT दे दूंगी और ये वाला डॉक फॉर्म, और एक मैं आपको अपना वाला जो मेरे पास खाली है मैं वो अपलोड करके भी भेजती हूँ, आप उसको डाउनलोड करके ओके देखिए, ताकि ये कल तक वो हो जाए तो फिर आप इसके रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर पाए किसी पर्टिकुलर उसके बारे में जो वेबसाइट में आपको यस दूंगी, ठीक है। कल से हम लोग शुरू करते हैं अपना स्कैनिंग और इनोवेशन, ठीक है। ओके कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो मैं शेयर करती हूँ फिर फाइल। शायद अभी तो फिलहाल कुछ डाउट हाँ, डाउनलोडिंग नहीं। आपने जो कर रखी वो हो गई कुछ या नहीं हुई अभी? 1.8 GB हो गया अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी वाली काली एक बार दे देती हूँ अपलोड करके,
अगर वो डाउनलोड हो जाती है तो आप उसे कर लीजिए, नहीं तो फिर आप तो कर ही रहे हैं अपनी डाउनलोडिंग, तो फिर आपको सेटअप कर लेंगे कलम्बो, माल्टा गोभी और काली भी। ओके ओके, ठीक चलिए, थैंक यू। है मैम।